वहीं खा रहा हूँ साड़ी। वॉइस नहीं आ रही सर। तो हमें देखो सबको यहाँ फोल्डर दिख रहा है कंट्रोलर का। मैंने इसके अंदर इस पे क्लिक करके और एक बनाया न्यू कंट्रोलर। ठीक है सब देखो कंट्रोलर पे मैंने क्लिक किया, सबको दिख रहा है कंट्रोलर पे क्लिक किया तो मैंने बनाया एक नया कंट्रोलर। ठीक है जिसका नाम मैंने रखा फ्रंट FRONTED फ्रंट कंट्रोलर का सी कैपिटल कंट्रोलर डॉट js। सबको दिख रहा है मैंने कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाया है, एक फाइल सॉरी फ्रंट कंट्रोलर स्पेलिंग थोड़ी सही कर दूं मैं। आप लोग बना लें फाइल, एक नया कंट्रोलर बना लें फ्रंट फ्रंट मैं फ्रंट करता हूं फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है कंट्रोलर के अंदर मैंने एक कंट्रोलर बनाया है फ्रंट कंट्रोलर डॉट जे एस। कंट्रोलर मतलब बेटर, सारा लॉजिक वाला काम कंट्रोलर के अंदर ही होते हैं। बन गया सबका? यस सर बन गया। बन गया। अब देखो अब कंट्रोलर कुछ नहीं है, कंट्रोलर एक क्लास है। ठीक है हमने सिखाया था ना, क्लास सिखाई थी क्लास ना और फ्रंट yes, और कंट्रोलर का पहला लेटर हमेशा आप कंट्रोलर का पहला लेटर हमेशा आप लोग क्या रखोगे कैपिटल। ठीक है देखो ये क्लास बनी, इस क्लास को अपन ने क्या कर दिया मॉड्यूल एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है कर दिया। अब क्लास के अंदर क्या बनेंगे स्टैटिक मेथड। ठीक है जैसे सबसे पहले बनाता हूं मैं होम नाम से एस टी क्या होम क्या लॉगिन करता हूं। पहले लॉगिन कौन कौन से पेज थे हमारे लॉगिन रजिस्ट्रेशन और डैशबोर्ड है ना, तो ऐसे ही बनाता हूं। चलो तो सबसे पहले स्टैटिक बाय डिफॉल्ट हमारा लॉगिन पेज खुलेगा ना या होम पेज मान लो बाय डिफॉल्ट मैं होम कर देता हूं। चलो अभी के लिए फिर होम समझ पे समझा होम इक्वल पासिंग इक्वल एरो कर्ली ब्रैकेट्स। ये तो याद आ गया सबको सिखाया था चीजें। यस सर याद होंगी सब पढ़ा चुका हूं। हां सब पढ़ा चुका हूं। ये स्टैटिक मेथड यस सर स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं सब लोग स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं क्लास के नेम से क्लास के नेम से क्लास से क्लास के नेम से। हाँ तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है मॉड्यूल एक्सपोर्ट किसको किया है फ्रंट कंट्रोलर को। ठीक है res डॉट अरे डॉट सेंड और होम पेज अभी पहले देख लो फिर करना। ठीक है और लिखा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर और सिंपल एरर। ठीक है एरर। अब हमने क्या बनाया एक बनाया फ्रंट कंट्रोलर के अंदर बनाया एक स्टैटिक मेथड होम नाम का ट्रैकेज लगा हुआ आर एस सेंड होम पेज और इसको मैंने क्या कर दिया मॉड्यूल एक्सपोर्ट। अब मैं कहाँ चलूंगा इसके बाद web.js पे कंट्रोलर पे आएगा कैसे वो बिना राउटिंग के कैसे आ जाएगा इस कंट्रोलर पर कैसे आएगा बिना राउटिंग के तो आएगा ही नहीं। तो अब ये राउटिंग थी इसको मैं हटा देता हूं, ये राउटिंग थी इसको मैं हटा रहा हूं देखो। ठीक है जो राउटिंग थी ये सारी मैं हटा दी। अब मैंने यहां पे लिखा राउट डॉट गेट और सिंगल कोट में बाय डिफॉल्ट होम पेज खुलेगा। ठीक है कॉमा फ्रंट कंट्रोलर। अब देखो देखो फ्रंट देखो जैसे मैं लिखा फ्रंट अपने आप यहां पे आ रहा है
अपने आप ही आ रहा है। यस सर। राउट समझते हो आप? राउट का मतलब, राउट एक तरह, राउट मतलब एक तरह का पाथ है, ये जो स्विच राउट है ना कर इसको देता है पाथ सर समझो, एक तरह पाथ से। हाँ रास्ता, बस रास्ता है। जैसे आप मुझसे पूछ, सर मुझे आपके ऑफिस आना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले ठाठी पर आओ, आठ दुकान आओ, ये रास्ता है राउट, पाथ है। अगर आपको फ्रंट कंट्रोलर के अंदर जो होम वाला मेथड कॉल करना है, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर होम वाला मेथड कॉल करना है, और आप चाहते हो ब्राउजर पे जो आउटपुट हो होम पेज, तो बिना राउटिंग के तो होगा नहीं, है ना? तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रंट, एफ आर फ्रंट कंट्रोलर। देखो इंपोर्ट हो गया ऊपर, दिख रहा है सबको अपना इंपोर्ट हो गया, आप देख लो। अब इसके बाद कौन सा मेथड है हमारा, मेथड हमारा कौन सा है, होम। देखो अपना होम आ रहा है, देखो आगे होम अपने आप सेव किया फाइल को। कौन आया, देखो आ गया होम, सब लोग, सबको मेरी वॉइस आ रही है। यस सर। हेलो आ रही है ना? तो अब देखो मैं यस सर ब्राउजर पे वॉइस आ रही है। यस सर लोकल आ रही है। होस्ट, आ रही ना, आ रही ना, मैं ब्राउजर पे लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 3000, लिखना। देखो चल कैसे रहा है, फ्लो समझो, मैंने इसका फ्लो समझना है। मैं लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सबसे पहले कहां जाएगा, क्यों सब लोग, सबसे पहले एप डॉट जेएस पे आएगा, एप डॉट जेएस से यहां पे आ जाएगा, स्लैश यस मिल सर। गया इसको। ये अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे तो फिर कुछ नहीं होगा, आप लोगों से भूल जाओगे। सबसे मेन है क्या, घर पे प्रैक्टिस करना। अब जो क्या एरर दे गया, एक बार एरर देख लेता हूं मैं। अच्छा सॉरी, एक चीज रह गई, क्योंकि तो रिक्वेस्ट यहां तक आएगी ना, यहां मैं जटा दिया, इसके अंदर आरई क्यू कॉमा आरईएस्ट में लगाया नहीं, तभी तो रिक्वेस्ट आएगी, तभी तो रिस्पॉन्स देगा ये, है ना? सेव कर दिया। देखो देखो आगे होम पेज चल गया, तो हमने लिखा लोकल होस्ट कूलर 3000, तो सबसे पहले कहाँ गया होगा, ये सबको पता है, सबसे पहले ऐप डॉट जेएस पे आता है ना, यहीं पे तो आता है सबसे पहले फाइल पे, सबसे पहले इसी पे आएगा ऐप डॉट जेएस पे, इस पे आएगा, यहां से वेब पे जाएगा, ये फ्लो सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे मिल गया स्लैश। अब देखो, अब मैंने इससे क्या कहा कि अब आप फ्रंट कंट्रोलर पे जाओ, अब मैंने कहा कि ये फ्रंट फ्रंट कंट्रोलर पे कंट्रोलर जाओ, क्या है? उसके अंदर एक क्लास है, क्लास, अरे इसी बनाया ना अपन ने अभी। कंट्रोलर क्या होता है बताया था ना, वेटर बताया था, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर आ रही यस है। सर आ रही है। यस सर आ रही है। अरे तो ये क्वेश्चन कहां से आया कि फ्रंट कंट्रोलर क्या है, लॉजिक वाला। एमबीसी याद है, एमबीसी, एमबीसी में एम क्या होता है, मॉडल, सी क्या होता है, कंट्रोलर, वी क्या होता है, व्यू। तो हमने अभी ये क्या बनाया, फ्रंट कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बनाया ना हमने, एक कंट्रोलर बनाया है जिसका नाम रखा है हमने फ्रंट कंट्रोलर। क्लास है ना, क्लास का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, है ना, रख सकते हैं ना कुछ भी नाम क्लास का। तो हमने यहां पे क्लास का नाम क्या रखा, फ्रंट कंट्रोलर, फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या बनाया, उसके अंदर बनाया हमने एक मेथड, स्टडी मेथड। तो सबको याद होगा कि क्ला हमने आपको जो ऊप्स कंसेप्ट सिखाए थे, तो उसके अंदर हमने क्या किया था,
उसके अंदर हमने क्या किया था, क्लास बनाई थी, याद आया कुछ? यस सर याद होगा जी, हमने एक क्लास बनाते थे, मैंने क्लास बनाई मांग चलो फोन नाम की, अगर आपको याद होगा। फिर इसके अंदर हमने एक बनाया था स्टैटिक मेथड, सिखाए थे आपको चीज़ें, बनाया मैंने स्टैटिक मेथड होम नाम का, याद है सर? मुझे लगा ये फ्रंट कंट्रोलर जो एक मेथड बनाया हुआ है ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, इसीलिए मैं पूछा था। नहीं, मेथड कहाँ से हो गया, ये क्लास है, ये क्लास है, इसके आगे लिखा है ना क्लास, क्लास के अंदर बने हैं ये मेथड, ठीक है, ये पढ़ी थी ना अपन ने, क्लास बनी है। और एक क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर आप कितने भी मेथड बना सकते हो, तो यहाँ पे क्लास को हम कंट्रोलर ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्लास बनाई फ्रंट कंट्रोलर नाम की, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया। अब मुझे इस स्टैटिक मेथड, जो होम वाला मेथड है, इसको ब्राउजर पे रन करना है, तो स्टैटिक वाले, इस होम वाले मेथड को अपन किससे कॉल करेंगे, क्लास के नेम से तो कॉल करेंगे हमने, यहाँ पर ये तो किया है, देखो ये तो किया है फ्रंट कंट्रोलर डॉट होम, समझ में आ गया। तो अगर मैं लिखूंगा ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो वो यहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा, आएगा, फिर वो क्या देखेगा कि मुझे फ्रंट कंट्रोलर पे जाना है और उसके अंदर मुझे स्टैटिक वाले होम वाले मेथड पे जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट कंट्रोलर पे जाओ, उसके अंदर होम नाम का मेथड उस पर जाओ, यही मतलब हुआ इसका। यस सर बताएं, मतलब यही, मतलब यही मेथड हुआ ना, फ्रंट कंट्रोलर पे जाओ, उसके अंदर होम नाम का मेथड मिलेगा। ओके, जो स्टैटिक मेथड वो किससे कॉल होते हैं, क्लास के नेम से तो कॉल होते हैं, तो जो फ्रंट कंट्रोलर क्लास का नेम हो गया, उसके अंदर होम नाम का मेथड हो गया स्टैटिक, क्लियर? यस सर। तो वो फ्रंट कंट्रोलर पे आया, यहाँ पे आया फ्रंट कंट्रोलर पे, उसको होम नाम का मेथड मिला, फिर उसने क्या किया, res.send कर दिया, ब्राउजर रन करा दिया होम पेज, देखो अब क्लियर हुआ। यस सर, बाकी लोगों को समझ आया? ऐसे मैंने एक मेथड और बनाया, और अगर मैं ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट, तो फिर हमारा फ्रंट कंट्रोलर वहां पे कॉल हो पाएगा, बताओ? अगर ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं करूंगा वेब डॉट जेएस पे, हमारा फ्रंट कंट्रोलर कहीं कॉल नहीं हो पाएगा ना, पूरा नोड जेएस चल रहा है, हमने नोड जेएस पढ़ा, उसी को तो यूज कर रहे हैं, है ना? यस सर। चलो तो अब मैंने बनाया एक और मेथड, देखो अबाउट, पूरा वही है, मैंने कहा ना नोड जेएस अच्छे से आता होगा तो समझ जाओगे अबाउट। अब बनाया मैंने, एक क्लास के अंदर अपन कितने भी मेथड बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रंट कंट्रोलर वो है कंट्रोलर, क्योंकि सारे लॉजिक वाले काम किसके अंदर होंगे, कंट्रोलर के अंदर होंगे। अब देखो, अच्छा हमने ब्राउजर पे लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सबसे पहले कहाँ पे आया, वो वेब वाली फाइल पे आएगा, वेब से फ्रंट कंट्रोलर पर जाएगा। अगर आप बेटर को ऑर्डर दोगे तो बेटर किसके पास जाएगा लेके, सेफ के पास जाएगा ना, तो अभी सेफ वाला काम तो हो ही रहा है, अभी तो अपन क्या समझ रहे हैं कि राउट से कंट्रोलर पे कैसे जा रहे हैं, कंट्रोलर से व्यू पे आएंगे अपन अभी, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं दूसरा आता हूं मेथड, देखो अब मैंने लिखा अबाउट, और यहां लिखा मैंने अबाउट, ठीक है, अबाउट नाम का। अब ब्राउजर, ब्राउजर में क्या लिखूंगा जाके, क्या लिखूंगा ब्राउजर पे, स्लैश स्लैश अबाउट, एक मिनट सेव हो जाए, स्लैश अबाउट, तो फ्रंट कंट्रोलर पे आएगा, फ्रंट कंट्रोलर से अबाउट वाले मेथड पे जाएगा, है ना, इस पे आएगा और क्या रन कर देगा, अबाउट पे रिक्वेस्ट आ रही है। देखो यहां तक क्या आ रही है, आ रही की मतलब रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स में आपको क्या दे रहा है, अबाउट पेज, रिक्वेस्ट आती है ना यहां तक, फिर रिस्पॉन्स में क्या देता है आपको, आरईएस क्या है, रिस्पॉन्स, आरईक्यू क्या है, ये रिक्वेस्ट आई है ना यहां तक, और ये फंक्शन कौन सा है, आसिंग फंक्शन, आसिंग फंक्शन रिटर्न में क्या देता है मुझे, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट एंड प्रॉमिस,
चल गया, समझ आया सबको ये कैसे कंट्रोलर काम कर रहा है? Yes, कंट्रोलर मेथड काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है कि नहीं इसमें, बताएं आप लोग, खुद बताएं। Yes, sir. Yes, sir. घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस एक बार क्या है आपके दिमाग में फ्लो सेट हो जाए। फ्लो क्या सेट हो जाए कि हम जो यहाँ पे लिखेंगे ना ब्राउजर पे, वो सबसे पहले ऐप पे जाएगा। मेन फाइल हमारी ऐप है, ऐप के बाद वेब पे आएगा, वेब में आके यहाँ पे चेक करेगा जो हमने ब्राउजर पे दिया है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट वन, तो जब वाली एरर आए ना कैन नॉट गेट की, तो आप समझो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे है कि नहीं इनमें। अगर ज्वाली एरर आती है तो ज्वाली एरर कब आएगी, जब आपका ये राउट में पास सही नहीं होगा तब एरर आएगी, याद रखना। सबसे मेन एरर याद रखो, कुछ ना कुछ। फिर यहाँ से जाएगा फ्रंट कंट्रोलर पे। अब जब फ्रंट कंट्रोल आप लिखोगे तो अपने आप इम्पोर्ट होता है ये, ठीक है, अपने आप। अब एक चीज देखना, अब मैंने पहले इतना आप कर लो, या मैंने क्या कर दिया देखो, टीम वाला कर लिया एक मेथड, और एक मेथड कर दिया मैंने ब्लॉक। अब यहाँ पे इसको कॉल कर लूंगा, टीम, एक बार समझ में आ जाए। टीम लॉक, आप लोग जानते हो ये मेथड है, याद रखना ये मेथड है, स्टैटिक मेथड, और ये आपका यूआरएल है। ये ब्लॉक कौन सा है? आपका यूआरएल जो आप यहाँ पे दोगे ब्राउजर पे, ठीक है, याद रखना। ये मेथड है होम अबाउट टीम ब्लॉक, ये मेथड बने हुए हैं, मेथड कॉल हो रहे हैं फ्रंट कंट्रोलर से, और ये आपके यूआरएल दिए हैं, ठीक है। सेम इसलिए लिखे हैं जिससे आपको समझ आ सके। अगर यहाँ पे लिखता हूं मैं ब्लॉक 1 2 3, अगर मैंने लिखा ब्लॉक 1 2 3, तो मुझे ब्राउजर पे क्या लिखना होगा इसको कॉल करने के लिए? सब लोग यहां क्या लिखूंगा? ब्लॉक 1 2 3 1 2 3, ये लिखना होगा ना? Yes. है ना, देखो चल के ब्लॉक ठीक है। तो ब्लॉक 1 2 3 मतलब ये होता है यूआरएल, और ये होते हैं आपके मेथड, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल कह के चल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, क्लास एक भी